परा अगं का हुआ की नाही अगं पण जल्दी करो स्वामी जयंतीची वेळ होत आली चला बस झालंच स्वरा चलो छान दिसते हा चल समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ मुलांनो थांबा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय नमस्कार मैं शक्ति अरोरा आज आप सबके सामने महाराष्ट्र मांडवा की रहने वाली स्वामी समर्थ भक्त साक्षी और सुचित्रा के विश्वास की अविश्वसनीय कहानी लेकर आया गुरु परंपरा में स्वामी समर्थ का अपना अलग एक स्थान है वो गुरु दत्तात्रेय के चौथे अवतार माने जाते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में अक्कलकोट नाम का छोटा सा गाँव है वहीं स्वामी समर्थ का मंदिर भी स्थापित है सुचित्रा और साक्षी स्वामी समर्थ की निस्सिम भक्त थी अच्छाई और सच्चाई के साथ एक अनाथ आश्रम चला रही थी लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ इम्तिहान भी होता है काय गो किसी कंपनी से कोई कॉल आया आई कॉल तो रहता है भरपूर पर क्या है ना इंटरव्यू भी होते हैं लेकिन सिलेक्शन के वक्त क्या हो जाता है पता नहीं पिछले जॉब छुटे 2 महीने हो गए उसकी कुछ सैलरी मैंने जमा करके रखी थी पर अभी अकाउंट में सिर्फ 2-4 हजार ही बाकी है पता नहीं अब क्या होगा तो ये सब उस विश्वनाथ की वजह से हो रहा है वो ना तुझे कोई जॉब मिलने दे रहा है ना मिले हुए जॉब को टिकने दे रहा है सब सुकून ही छीन लिया उसने हमारा पता नहीं लोग भी क्यों आते हैं उसकी बातों में परसों राशन की दुकान पे गई थी राशन लाने दादा आपने तो सारी चीजों के दुगने भाव लगाए हैं भाव बढ़ गए हैं लेकिन बोर्ड पे तो ये भाव उन लोगों के लिए है जो नगद पैसा देकर खरीद कर लेके जाते आप जैसे उधारी वालों के लिए अलग भाव है आज नहीं तो कल हम भी तो दे ही देंगे ना पैसे इस तरह अन्याय करके आप तो लेना है तो लो नहीं तो वापिस जाओ दुकानों का भी रहो राशन वाला तो राशन वाला सब्जी वाले ने भी आई तो काळजी करू नकोस मैं जाती हूँ और उन दोनों से बात करती हूँ नहीं गई तू मत जा पिछली बार तू उस रास्ते से गई थी तो क्या हुआ पता है ना तुझे रघु ये वही लाल मिर्च है ना हाँ भाई अपने विश्वनाथ सेठ से पंगा लिया ना इसने लगता है इसे बहुत भिड़ने का शौक है चल 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 आई पर कब तक हम ऐसे डर डर के जीने वाले कभी ना कभी तो हमें उनकी हरकतों का जवाब देना पड़ेगा ना हेलो तो क्या सोचा है मेरी ऑफर के बारे में तुम्हारे ऐसे बार बार कॉल करने से ना हमारा फैसला नहीं बदलने वाला बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो अच्छाई के सामने ना टिक नहीं पाती तुम्हें आज मेरी बुराई का और एक नमूना दिखाता हूँ शांत 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 मस्ती नहीं और कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा समझे मावशी मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ तुम नहीं जानती साक्षी कि संकट तुम्हारे कितने करीब आ गया है विश्वनाथ मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ इतना समझ लो कि तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है इसमें डरने की क्या बात है 2 मिनट में लाइट आ जाएगी हाँ एक काम करते हैं स्वामी समर्थ का नाम लेते हैं डर अपने आप भाग जाएगा क्यों मौशी लगता है कोई आ रहा है कौन चोर आई कहीं ये विश्वनाथ के गुंडे तो नहीं है ताई आप चिंता मत करो जो कोई भी होगा हम उसे पीट पीट कर भगा देंगे चलो 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 Thank you.
सनी आई, ये तो सनी है। अरे मैं हूँ सनी। रुक जाओ बच्चों, अरे ये सनी दादा है तुम्हारे। सनी उठो। अरे संभालो अपनी मादर सेना को, अपने होने वाले जीजा जी का स्वागत कोई इस तरह करता है क्या? I'm so sorry सनी, पर सनी होने वाले जीजा ने भी ऐसे चोरों की तरह नहीं आना चाहिए ना, क्यों बच्चों? सनी मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, लेकिन पता नहीं विश्वनाथ से मैं कब तक। रिलैक्स साक्षी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और क्या पता इस तरह लाइट का जाना महज एक इत्तफाक भी तो हो सकता है। चलो हम मीटर चेक करते। साक्षी लाइट गई नहीं है, काटी गई है। मतलब? अरे मतलब एमएससीबी वाले लाइट काट कर गए। अरे पर का, मैंने तो बिल भरा था। अरे श्योर? हाँ बाबा। फिर तो ये जरूर उस विश्वनाथ का काम होगा। सनी 2 दिन बाद ना बच्चों की एग्जाम्स है, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे बिना लाइट के? मैं रिलैक्स साक्षी, हम कल ही एमएससीबी के ऑफिस चलेंगे, ठीक है? कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। साक्षी तुम जानती हो कि मैं खुद एक अनाथ हूँ, मुझे हमेशा से अनाथ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना था, और ये मौका मुझे तुम्हारी आई ने दिया है, और अब मैं उनके विश्वास को सही साबित करके दिखाऊंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक्स सनी। बॉयफ्रेंड को थैंक यू नहीं, आई लव यू कहते। गपरे तुम पढ़ना। ताई मौसी बुला रही है। हो आले। बक, अब तो पानी भी चला गया। अरे आई वो आजकल है ना म्युनिसिपैलिटी वाले पानी की कटौती कर रहे, शायद इसी वजह से गया होगा, कल सुबह तक आ जाएगा। मौसी रोज सुबह 7 बजे पानी आ जाता है, लेकिन अभी तो 8 बज गए फिर भी पानी नहीं आ रहा। आई आई आस पड़ोस में हर जगह पानी है, एक हमारे घर में पानी नहीं है। अगो भाई स्वामी आते है काय नवीनच? ताई ये पानी लाइट को हो गया गया। कुछ नहीं बच्चे, वो क्या है ना, हमसे ज्यादा किसी और को पानी और बिजली की जरूरत पड़ गई, तो स्वामी जी ने कुछ दिनों के लिए यहाँ की बिजली यहाँ का पानी उन्हें दे दिया, बस। पर क्यों भाई? स्वरा स्वामी जी को ना हर किसी की चिंता है, जैसे हम ये आश्रम चलाते हैं ना वैसे स्वामी जी पूरी दुनिया को चलाते हैं, तो उन्हें ना ऐसी छोटी छोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो अब तुम ही बताओ हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। जा ब्रश कर। अब हम क्या करें? आई काजी करो ना कुछ, मैं और सनी ना दोनों ऑफिसेस में जाके देखते हैं, ठीक है? आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा है, इसलिए हमने आपकी बिजली काट दी है। लेकिन सर हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। एक्सक्यूज मी शिंदे, ये घर पे वाला है ना? मैडम एक तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का इशू है, बस आपका मीटर पुराना हो चुका है, नए मीटर लगवाने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको 25,000 भरने होंगे, तब जाके बिजली आएगी। 25,000? अरे ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने तुम्हें मेरे घर का राशन भरने को कह दिया हो। नया कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, पुरानी पाइपलाइन पूरी तरह से सड़ गई है, वाटर मीटर भी खराब है। मुझे समझ नहीं आता आप लोग उस खंडर जैसे घर में रह क्यों रहे हो, बेच दो उस घर को, अच्छे पैसे मिलेंगे, चले जाना डोंबिवली और बदलापुर। अच्छा अब मैं समझा, कितनी मिठाई खिलाई उस विश्वनाथ ने आपको। What do you mean? साले आप जैसे लोग उस विश्वनाथ जैसों से रिश्वत खाकर रहो। तुम एक ईमानदार सरकारी अफसर, ईमानदारी की तो मैं, अगर कल तक कनेक्शन नहीं आया ना तो मैं तेरा पानी निकाल दूंगा। याद रखना कल तक कनेक्शन आ जाना चाहिए। मेरे गिरेबान पर हाथ डाला तूने, अब पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी तुम्हारे घर, तरसोगे तुम लोग। अब देखते हैं पानी और लाइट के बगैर कितने दिन टिक पाते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारी मिठाई भिजवा दी है। हाँ चलो ठीक है ठीक है।
अरे ओ स्वामी समर्थ, कहाँ हो भाई? अरे ओ स्वामी समर्थ, आ जाओ भाई। ओ स्वामी समर्थ, अरे कहाँ हो? बचाओ अपने भक्तों को, बचाओ। अरे तुम हो ही नहीं तो कहाँ से बचाओगे अपने भक्तों को? ओ स्वामी समर्थ। सर, नगर पालिका से लेटर आया, हमारे प्लॉट के बारे में कुछ। नमस्ते। अरे आइए आइए गुरु जी, आइए आइए बैठिए। महोदय जी, आपके नए बंगले के मुहूर्त के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ कहिए कहिए। कोई है रवि शुक्र रास्ता हो गया, बाद में जो मुहूर्त निकलते हैं वो आपको मैं निकाल के दे रहा हूँ। स्वामी, अब आप ही हमारे तारणहार हो। सनी, ऐसे लड़ झगड़ करना कुछ नहीं होने वाला। वो लोग हमें लीगली अटका रहे हैं। हमारी एक गलती, वो लोग ना हमें यहाँ से निकाल बाहर फेंकेंगे। मतलब वो विश्वनाथ कुछ भी करे और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। हम उनकी हरकतों का जवाब देंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। सबसे पहले ना हमें कुछ पैसे जमा करके मीटर्स लगवाने होंगे। लेकिन 50,000 लाएंगे कहाँ से हम? राशन भरने के लिए पैसे नहीं, 50,000 तो। एक रास्ता है, मेरी अलीबाग कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ी सी पहचान है, वहां से शायद पर्सनल लोन का कुछ जुगाड़ हो सकता है। इस मुश्किल से निकल जाएंगे तो थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, फिर मैं उस विश्वनाथ को। गुड आइडिया सनी, प्लीज तुम देखो क्या हो सकता है। ठीक है। आटा खत्म, दाल भी खत्म, चावल भी देख इतने से ही है, कैसे बनाएंगे खाना? आई एक काम करना, तू पेज बनो। ताई, आज हम बच्चों के लिए खाना मत बनाना। कागो? अगर वो सुनीता काकी है ना, हमारी ड्राइंग टीचर, आज उनके बेटे का बर्थडे है, उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया है खाने पे, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। चले। मेरे स्कॉलरशिप के पैसे बचे थे, उन्हीं में से लाई हूँ। पर ताई, इससे तो पेट नहीं भरेगा ना। इसके ऊपर बहुत सारा पानी पी लेना, फिर तुम सबका पेट भर जाएगा। ठीक है? देखो, हमारे घर में राशन नहीं है और शायद हम लोग को थोड़ा भूखा भी रहना पड़ेगा, और अगर हम लोग आधे भरे पेट सोएंगे तो साक्षी ताई और मौसी दोनों को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने झूठ बोला ना। पर ताई, आप ही तो कहती है ना कि झूठ बोलना बुरी बात है। आओ, हम सभी स्वामी समर्थ से प्रार्थना करते हैं और उन्हें सॉरी कहते हैं। स्वामी आया, अरे चलो चलो सब खा लो, पकड़ो। हर मुश्किल हल होगी तेरी, आस जो उससे लगाई तू, पढ़ लेगा तेरे दुख वो तो, बताई आना बताई। अच्छा अब सब सुनो, अब थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे और सबको ऐसा दिखाना है कि हम लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया है। ठीक है? आई मान से झूठ बोल रही थी, सुनीता काकी तो अपने फैमिली के साथ बैंगलोर गई हुई है। हाँ जानती हूँ, लेकिन कभी कभी अपनों का मन रखने के लिए उनके झूठ का भी सम्मान करना पड़ता है। आई लेकिन बच्चे भूखे रहेंगे। कोई बात नहीं,
तू चिंता मत कर, हमारे स्वामी अन्नपूर्णा है, हमें भूखे पेट नहीं सोने देंगे, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पचितात। अग्रिम कवि रहीम कहते हैं, सही समय आने पर वृक्ष पर फल लगते हैं और जब झड़ने का समय आता है तब वो झड़ जाते। अर्थात किसी की भी अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हालात बदलते हैं। इसी विश्वास के साथ साक्षी और सुचित्रा जी रहे, लेकिन विश्वनाथ का कहर बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपना शिकंजा कसा, घर का दाना दाना खत्म हो गया, दो दिन लगातार बच्चों को भूखा रहना पड़ा। पानी पी लेती हूँ, मनु ताई कहती है ढेर सारा पानी पीने से भूख खत्म हो जाती है। छोटी सी स्वरा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, चक्कर खाकर गिर गई और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। मावशी, स्वरा को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा हमारी स्वरा को, स्वामी समर्थ है ना, कुछ नहीं होने देंगे हमारी स्वरा को। कैसी है स्वरा? पहले से काफी बेहतर है, कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा आई, पर डॉक्टर सर हमसे बहुत नाराज है, उन्हें लगता है कि हमारी लापरवाही की वजह से बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है। आई, पर मैं डॉक्टर सर को कैसे बताऊं कि हमने पूरी कोशिश की है, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। कल हॉस्पिटल में डिपॉजिट भरना है। ऐसी क्यों देख रही हो? अरे आओ भाई आओ, आओ। देखो यहाँ पे ये बात है, आओ। बच्चों देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, ना? ये देखो, इसमें बिरयानी लाया हूँ, यहाँ पे पिज्जा है, मिठाई है, आओ आओ खाओ। क्या हुआ? ताई से डर रहे हो? अरे कुछ नहीं कहेगी तुम्हारी ताई, मैंने उसे कुछ कहने के लायक रखा ही नहीं। आओ बच्चों आओ। अरे मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, अगर किसी दूसरे की जिद से बच्चे भूखे रहे तो मेरा दिल टूट जाता है। आओ बच्चों आओ, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, बिरयानी लाया हूँ, ये देखो ये पिज्जा लाया हूँ। आओ बेटे आओ आओ। मेरी अच्छी बेटी आ गई, ले लो। लो बेटा लो, ले लो पिज्जा। सिर्फ एक शर्त पर, अपने ताई को
पेपर साइन करने को बोलो या अनाथ आश्रम मेरे नाम करने को बोलो, खाम खाम मेरे और मेरे रिसोर्ट के बीच में रोड़ा बनकर खड़ी है ना? खा लो बेटा और बोलो अपने ताई को। स्वामी जी ने दी है इस आश्रम के छोटे से बच्चे, अरे उसका गुरूर उसकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए तुम तो हमारी क्या तोड़ोगे। जाइए यहाँ से। क्या नाम बताए उस बच्ची का जो हॉस्पिटल में एडमिट है? स्वरा, बेचारी अकेली बोर होती होगी हॉस्पिटल में, है ना? मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल में, फोन करके इन बाकी बच्चों का भी नाम लिखवा देता हूँ, आज नहीं तो कल उन्हें जाना ही पड़ेगा। देखो मेरी बात मान, तुम्हारी जिद, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आत्मसम्मान इन बच्चों के जिंदगी से बड़ा नहीं है। देखो अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो आज तक जो पुण्य कमाया है वो फुल हो जाएगा, उल्टा सिर पर पाप चढ़ जाएगा तुम्हारे। मेरे चेक का स्वीकार करो, तुम्हारा बच्चों का भला होगा, तुम्हारी जिंदगी डहलने से बच जाएगी। हेलो चेक। मान लो, सोचो मत, मेरे पास पैसे हैं, मेरी ताकत बड़ी है, मसल दूंगा तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को। कौन सी मस्ती है तुझमें? किस बात का गुरूर है? ये गुरूर मेरी श्रद्धा का गुरूर है, ये गुरूर मेरे विश्वास का गुरूर है। हमें बचाने वाला ना वहाँ अक्कल कोर्ट में बैठा है, श्री स्वामी समर्थ महाराज। जब तक वो हमारे साथ है ना, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है तुम्हारा स्वामी समर्थ? कहाँ है? कब आएगा वो? कब करेगा मदद? अरे मदद तो दूर, एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। तो स्वामी समर्थ, घरकुल आप ही चलाती हो ना? जी हाँ। मैं श्रीपाद हूँ, स्वामी समर्थ ट्रस्ट की ओर से आया हूँ। हमारा ट्रस्ट हर महीने 4 एनजीओ और अनाथ आश्रमों को खाना, कपड़े, खिलौने और बैटरी पर चलने वाले दिए डोनेट करता है। आज आपके अनाथ आश्रम का चयन हुआ है, स्वीकार कर लीजिए। हाँ सूर्य, हाँ जयद्रथ, पागल हो तुम। तुम्हें लग रहा है तुम हमसे लड़ रहे हो, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारे और हमारे बीच की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई तो तुम्हारे और स्वामी समर्थ के बीच की लड़ाई है। और आज तक स्वामी समर्थ से ना कोई जीता है और ना ही कोई जीत पाएगा।
क्योंकि स्वामी समर्थ है, स्वामित समर्थ है, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ मणे है, अब मैं दिखाऊंगा कौन समर्थ है और कौन असमर्थ। सर बार बार नगर पालिका से फोन आ रहा है, आप अगर एक बार बात कर लेते तो। नहीं नहीं अभी नहीं, इस वक्त मुझे इंतजार है मेरे ब्रह्मास्त्र का, वो ब्रह्मास्त्र जो मैं खरकूल पर चलाऊंगा। गया मेरा ब्रह्मास्त्र। रेडी। खैर संगबाला बेटे, अब तुझे वो करना होगा जिसके लिए मैंने तुझे साक्षी की जिंदगी में भेजा था। साक्षी, मैंने हॉस्पिटल में डिपॉजिट भर दिया है, अब स्वरा का इलाज नहीं रुकेगा। सनी, तुमने इतने सारे पैसे लाए कहां से? एडवांस मांग लिया यार बॉस से। पर ते सगळं सोड, ये देख मैं वो पर्सनल लोन के पेपर्स लाया, इन्हें तुम साइन कर दो। सनी, आज ना ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, जैसे सारी मुश्किलें आसान हो रही है, रास्ते मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वयं स्वामी जी हमारे सामने बैठे हो। सब अच्छा हो जाएगा। पढ़ लिए तो? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। बताओ साइन क्या करनी है? एक बार वो पेपर्स मेरे हाथ में आ जाएं, उस घरकुल की एक एक ईंट नेस्त नाबूद कर दूंगा। सनी, लोन कब तक पास होगा? एक दो तीन दिन में हो जाएगा। अच्छा, पैसे आते ही हम लाइट और पानी दोनों का मीटर लगवा लेंगे। हाँ ठीक है। और जब तक इस घर का एक एक मसला हल नहीं होता, मैं रोज यहाँ आऊंगा। भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी आहे। ये स्वामी वचन सत्य होकर रहेगा। मला एक कळत नाही, एवढी हुशार मुलगी ती, उसने पहचान नाही तुम्ही? हा लड़ी, एक बात पूछू, इस घरकुल का टूटना क्या वाकई में जरूरी है? ऑफ कोर्स बेटे, घरकुल का लोकेशन बहुत प्राइम है, वहां बना हुआ रिसोर्ट करोड़ों का टर्नओवर देगा। बात सिर्फ पैसे की या फायदे की नहीं है। मार बेटे ने मेरे अहम को ललकारा है, उसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। दो दिन बाद घरकुल पर बुलडोजर चलेगा, यहां घरकुल टूटेगा, वहां मैं मेरे नए बंगले के वास्तु पूजा में बैठूंगा। मझदार में फंसे मांझी को उसकी अपनी नाव भी डुबो दे तो? साक्षी ने सनी पर खुद से ज्यादा भरोसा किया, उसी सनी ने उसका विश्वास खाते। क्या इस आघात से साक्षी संभल पाएगी, घरकुल को बचा पाएगी? स्वामी,
बकता है ना, मेरी बच्चियों को कितने दूर से पानी लाना पड़ रहा है। आई काजी करो नुकुस, आज ही की तो बात है, कल लोन पास हो जाएगा, पैसे हाथ में आते ही ना पहले मीटर्स लगवा लेंगे, ठीक है? दस मिनट में ये घर खाली करना। पर क्यों? क्योंकि आप यहाँ इल्लीगली रह रही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये हमारा घर है। है नहीं, था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपकी बेटी ने ये घर मेरे नाम किया है। क्यों, क्या हुआ? हाँ? यकीन नहीं होता? साले, ये पेपर दिखाइए नहीं। क्यों, ये सिग्नेचर तुम्हारी है, राइट? साक्षी, एमए हो, पोस्ट ग्रेजुएट, वो जो डिग्री का कागज है ना, वो लेना और उसकी चने की पुड़िया बनाओ। इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, बगैर पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करती हो। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। यहाँ एक आई, कहिए ये सनी ने तो, सनी तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुमने उसका पूरा नाम भी पूछा नहीं कभी। उसका पूरा नाम है सनी विश्वनाथ कामत, मेरा बेटा है वो, मेरा ब्रह्मास्त्र। जो काम ताकत नहीं कर सकी, वो काम अकल ने किया। चलो 10 मिनट में ये घर खाली करो, 10 मिनट में बुलडोजर आएगा। जाओ, सबसे पहले वो स्वामी समर्थ की मूर्ति हटाओ वहां से, जाओ। आज तक इन बच्चों से मैं यही कहते आई हूं कि स्वामी समर्थ हमारे साथ हैं, और मुझे पता है मेरा ये विश्वास आप सच साबित करके दिखाएंगे। इन बच्चों को बेघर होने नहीं देंगे आप। स्वामी आई, हमारी मदद कीजिए, हमें नहीं जाना यहाँ से, हमें यही रहना है। क्या कर रहे हैं आप? अरे मत कीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आखिरी 10 सेकंड है तुम्हारे पास घर खाली करने को। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एक गिरा लो बिल्कुल को, चाहे कोई बाहर आए ना आए, गिराओ। नहीं प्लीज, नहीं रुकिए प्लीज। ए, रुक बंजर, खबरदार आगे बढ़े तो। क्या हुआ? आपको हमारे साथ चलना होगा मिस्टर काम, हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? आपके बेटे ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है मिस्टर कामत।
आपका सारा कच्चा चिट्ठा दिया है। आपने धोखे से इन लोगों का घर अपने नाम किया, इसकी सजा मिलेगी आपको। आई एम सॉरी डैडी, लेकिन मैं साक्षी से प्यार करने लगा हूं और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। क्या बकरा है तू? कौन सा प्यार, काय का प्यार? अरे मार दे वो सब। चलिए मिस्टर कामत, साक्षी जी और सुचित्रा जी को धोखा देने के जुर्म में मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ, ये सनी की गवाही कोर्ट में दो मिनट भी नहीं टिकेगी। मेरी जमानत होगी, दो दिन में मैं बाहर आऊंगा और ये घर कुल मेरा होगा। स्वामी समर्थ महाराज की जय। मिस्टर कामत, आपकी जमानत तो हो गई है, पर एक बात का ध्यान रखें, आप एक शहर छोड़ के नहीं जा सकते। और एक बात, घरकुल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आप परेशान नहीं करेंगे। परेशान जिंदा रहेंगे तो परेशान होंगे ना। हेलो, अरे मेरा मेरा घर कहाँ गया? ड्रीम हाउस कहाँ गया मेरा? तुम कहाँ गया मेरा घर? अरे यहाँ पे घर बांधा था, कहाँ गया मेरा ड्रीम हाउस? कहाँ गया? बोल बोल। सर मैं वही बताने की क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? बोलो। अरे मेरा घर कहाँ गया बताओ, कहाँ गया घर मेरा? क्या कर रहे हैं, छोड़िए। अपना घर कहाँ गया? अरे अपने सपनों का घर कहाँ गया भैरवी? अरे मेरी जिंदगी की पूंजी लगाई थी मैंने उसमें, बोलो कहाँ गया मेरा घर? अरे मेरा घर कहाँ गया? अरे हम लोग वहाँ पे वास्तु शांति की पूजा में बैठने वाले थे। वो घर अब नहीं रहा। मतलब म्युनिसिपैलिटी वाले आके गिरा गए हैं? है? ऐसे कैसे गिरा गए? ऐसे कैसे गिरा गए? सर म्युनिसिपैलिटी ने बहुत सारी नोटिसेस भेजी थी। हाँ। मैंने कहा भी था आपसे, लेकिन लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नगर पालिका से लेटर आया, हमारे वो प्लॉट के बारे में कुछ ऑफिसर्स ने कई बार फोन भी किए थे, लेकिन आपने अटेंड ही नहीं किए। सर बार बार नगर पालिका से फोन आ रहा है, आप अगर एक बार बात कर लेते तो। नहीं नहीं अभी नहीं। लेकिन आपने हमें से नजरअंदाज कर दिया। एक बात कहो, ये घर ना भी टूटा होता तो भी हमें कभी खुशी नहीं देता। सनी ने मुझे घरकुल की सारी बातें बता दी है। मैं हमेशा आपसे कहती थी कि दूसरों के सपनों को रौंदकर कभी अपनी इमारतें नहीं खड़ी की जाती है। अगर आप दूसरों के सर से छत हटाएंगे तो आपके सर पे भी छत नहीं रहेगी। अक्सर दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। विश्वनाथ के साथ भी यही हुआ। जो घरकुल गिराने आया था उसका अपना बंगलो गिराया गया, और शायद ये देखकर विश्वनाथ की आंखें खुली, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गलती उसने तुरंत सुधार ली। मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई, तुम्हारे स्वामी समर्थ जीत गए और मैं हार गया। इस अनाथाश्रम के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? मैं कौन होती कुछ कहने वाली? वही होता है जो स्वामी चाहते हैं। साक्षी बेटा। विश्वनाथ जी, हमारे नहीं, स्वामी जी के शरण में जाइए। साक्षी एक रिक्वेस्ट है, सनी को माफ कर देना। वाकई वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो तुम्हारे खातिर अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया।
आज मैं उसकी बेल कर रहा हूं। आखिर सुचित्रा और साक्षी के विश्वास की जीत हुई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म अक्कल कोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। तो अगर आपके पास भी सुचित्रा और साक्षी जैसा कोई अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। अब मैं शक्ति अरोरा आप सबसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विश्वास की एक और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक आप अपने साथ अपने समाज का भी ख्याल रखें। अनाथों में प्यार बांटिए, उनका सहारा बनिए, अपने इरादों और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास का कोई तर्क नहीं होता पर फर्क बहुत पड़ता है। नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।